नमस्कार दोस्तों, मैं सहिता केसवानी मोटिवेशन फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। बता देना चाहती हूँ कि मनीष कश्यप की रिमांड आज से बढ़ गई है। दोस्तों रिमांड बढ़ गई है और उनको फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी रिमांड बढ़ाने के लिए फिर से पुलिस वाले जा रहे हैं कोर्ट में, देखिए क्या होता है, बढ़ता या घटता है कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन उम्मीद थी कि छूट जाएंगे लेकिन अभी तक छूटे नहीं हैं। मोबाइल भी उनका मिला नहीं है अभी तक। उन्होंने जहाँ जहाँ बताया कि वहाँ मेरा मोबाइल है दिल्ली में, लेकिन अभी तक वहाँ से मिली ही नहीं मिला मोबाइल, ना मोबाइल मिल रहा है ना कंप्यूटर का कुछ भी मिल रहा है। मतलब सारा इन्होंने कैसे छुपा दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर छुपाया है तो उसको वापस दे देना चाहिए, क्योंकि इससे इनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोर्ट किसी का नहीं सुनता है। तो ऐसी गलती नहीं करें, और अपने को अगर छुटाना है यानी फ्री करना है, जल्दी जमाना चाहिए, तो हर कॉपरेट करना पड़ेगा पुलिस वालों को। अगर आप पुलिस वालों को कॉपरेट नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको सारी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ेगा। ज़िंदगी बहुत पेचीदा मोड़ से गुजर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हो सकता है। एक तरफ तो लगता है कि छूट जाएंगे, एक तरफ लगता है आप नहीं छूट पाएंगे। मतलब इसी कसमकस में दुनिया भी फंस के रह गई है। लोगों ने इनके चक्कर में बिहार बंद किया, पटना बंद किया, उसके बावजूद भी नहीं छूट पा रहे। इसका मतलब कांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। इसका मतलब पुलिस वाले लोग जो भी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं लग रहा है ऐसा, या गलत है क्या है अभी हम तो ये डिसाइड नहीं कर सकते। कोर्ट के अलावा कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन बहुत भारी मुसीबत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान इनके माँ पिताजी हो रहे हैं, क्योंकि माँ पिताजी अकेले हैं घर में और बड़े दिक्कत है। इसके वजह से इनके पिताजी ने तुरंत छुट्टी भी घोषणा कर दी, अपने छुट्टी को ले करके वहाँ से तुरंत माँ के पास आए, क्योंकि माँ की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। क्योंकि जिसका बेटा जेल गया उसको तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। तो माँ भी परेशान है, पिताजी भी परेशान है, देश की सेवा छोड़ करके आजकल अपने बेटे की सेवा पर लगे। जय हिंद, वंदे मातरम।